नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के अंदर बहुत सारे किसानों को समस्या रहती है, किस ट्रैक्टर पर कौन सा पेंट करवाएं, कहां से पेंट करवाएं। आज इस वीडियो के अंदर मैं पेंट के बारे में बताऊंगा और सारी डिटेल्स वगैरह, जितनी जो भी पेंट के जितने टाइप के पेंट होते हैं उसके बारे में, उसका खर्चा ही बताऊँगा कि कितना क्या खर्चा हो जाए है। ये अनिल जी हैं जो इस ट्रैक्टर को रामा पेंटर के नाम से शॉप है अपना जींद के अंदर, आज इसके इनसे बात करेंगे और पूरा ट्रैक्टर के बारे में पता करेंगे, ट्रैक्टर के ऊपर पेंट का कितना खर्चा आता है और कितने क्वालिटी के टाइप के पेंट होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इसके इस वीडियो के अंदर में इस अनिल जी से, और पूछेंगे किसानों किस तरीके से क्या सहायता होती है, क्या क्वालिटी है। और जैसी वीडियो लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और जैसे भी आपको वीडियो लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो बात करते हैं इनसे। नमस्कार अनिल जी, थोड़ा तेज़ बोलो सर, थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दो सर पहले अपना, क्या नाम पता है? दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार है, मेरे पिताजी का नाम रामा पेंटर जी। हाँ जी, रामा पेंटर, एड्रेस क्या है अपना? अपना एड्रेस है जी यार जींद किसान मार्केट है। हाँ। यहाँ पे आप आके कहीं पे भी किसी पे भी पूछ सकते हो, रामा सप्रे पेंटर की दुकान का पे आपको दुकान पे आके यहाँ पे छोड़ के जाएंगे जी। बिल्कुल, और गूगल पे भी जैसे आपकी दुकान रजिस्टर्ड है, गूगल पे आप नाम देख सकते हो हमारा, गूगल पे देख के और बाय डायरेक्शन आप आ सकते हो हमारी दुकान। बिल्कुल, दुकान तक पहुँचा। जैसे हम अगर आप जैसे पेंट करते हो आप ट्रैक्टर के ऊपर, पेंट डेंट और पेंट दोनों काम करते हो, जैसे आज हम पेंट की बात करें तो एक पेंट में जैसे ट्रैक्टर इंडस्ट्री में पेंट की कितनी क्वालिटी है? कम से कम दो तीन क्वालिटी आ जाती है जी। अच्छा, बेसिक इसी बताओ, जैसे जनरल सी जैसे तीन क्वालिटी हो? तीन क्वालिटी है हमारे यहाँ पे। तो शुरुआती वाली क्वालिटी है वो है जी बिल्कुल नॉर्मल सा लगा दे, एशियन का पेंट आता है। हाँ। उसकी लगभग प्राइस पड़ जाएगी 10 से 12 हज़ार रुपये। प्राइस तो चलो अच्छा, 10 से 12 हज़ार रुपये पड़ जाए जो नॉर्मल क्वालिटी है उसकी। नॉर्मल पूरा ट्रैक्टर हो जाएगा जी। उससे अगली क्वालिटी आती है जी कोबरा की। अच्छा, कोबरा क्वालिटी है, कोबरा पेंट बोलना जिसको। कोबरा पेंट है, क्वालिटी वाइज बहुत ही बढ़िया होता है, शाइनिंग बड़ी आती है उसमें। लाइफ कितनी हो इसकी लगभग? हमारी उसी लाइफ तो जी वही बात है, कम से कम 5 से 5-6 साल होती है जो हम कहते हैं, 10 साल तक चल जाता है जी। हाँ देखो, चल 10 साल तक चल जाए तो ट्रैक्टर ओरिजिनल होगा। हाँ, हाँ, मीडियम क्वालिटी जैसे ये अपना बम्प ये रखा हुआ है, ये किसान का, ये मीडियम क्वालिटी का है? ये मीडियम क्वालिटी का है जी। अच्छा, जो सोनाली का ट्रैक्टर भी ऊपर जो पेंट आता है। हाँ, हाँ, जो इस पे ये होगा कोबरा वाला पेंट। अच्छा, ये कोबरा वाला पेंट है जो ओरिजिनल पेंट है ये यहाँ पे। हाँ, और यहाँ पे डेंट पड़ गए थे, ईट वगैरह पड़ गई थी। हाँ, पे लाया है, अब इसे पुट्टी वगैरह भर के दो पुराने वाले 5-7 साल तक, 5 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं सकता। अच्छा अच्छा, मतलब ये जो सोनाली का ट्रैक्टर वो मीडियम क्वालिटी कोबरा पेंट जो बोलते हैं हम जिसने, और ये वाला पेंट है वो मीडियम क्वालिटी, और जो हाईएस्ट प्रीमियर जो क्वालिटी है, प्रीमियम क्वालिटी आती है कोबरा में, जो मेटालिक कलर आते हैं। अच्छा, शाइनिंग वाले। हाँ, उसमें दाना होता है जी, पेंट में ही दाना होता है उसमें। अच्छा, पेंट में दाना होता है, पेंट में दाना। वो कौन से ट्रैक्टर पे आता है लगभग? जैसे ओलैंड में भी आता है जी, एडिशन में आता है। अच्छा, स्पेशल एडिशन। हाँ, स्पेशल एडिशन है जी उसका, इसमें फार्म ट्रैक 60 में भी आता है। अच्छा, फार्म ट्रैक 60 में भी वही कलर है जो प्रीमियर क्वालिटी वाला है? क्वालिटी वाला। अच्छा अच्छा, तो उसकी लाइफ कितनी हो लगभग, अंदाजा सा आईडिया? उसकी भी वही होती है हमारी ओर से तो। अच्छा अच्छा, बाकी पानी पे डिपेंड होता है जी। हाँ देखो, पेंट तो पानी के ऊपर बात है, अगर पानी खराब है तो देखो, खारा पानी है तो वहाँ पर तो पेंट जल्दी उड़ेगा। और जो कोबरा पेंट है उसका जैसे ट्रैक्टर पे पूरे कंप्लीट पे कितना खर्चा आ जाए लगभग? कोबरा पे आ जाएगा जी आपका 15 से 16 हज़ार रुपये आ जाएगा। 15-16 के बीच में, जैसे 1000-1500 ऊपर नीचे। ऊपर नीचे तो थोड़ा बहुत चलता है। हाँ हाँ, कंप्लीट ट्रैक्टर खुलाई बंदाई सब कुछ? हाँ हाँ, खुलाई बंदाई थोड़ी सी अलग हो जाए। अच्छा 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 अच्छा, हमारा पेंट का जी 15,000 रुपये हमारे पेंट के आते हैं। अच्छा, पेंट कंप्लीट ट्रैक्टर पे पेंट होगा, इंजन से लेकर सब कुछ, बिल्कुल हर चीज़, एक चीज़ खुल के और एक चीज़ दोबारा भेजी जाएगी। अच्छा, ये एक एक चीज़ को साफ करके दोबारा पेंट करके। हाँ, पहले तीन लेयर के पेंट लगेंगे, सबसे पहले लगेगा प्राइमर, उसके बाद लगेगा अस्तर, उसके बाद आएगा पेंट। ठीक ठीक, जिससे उसकी लाइफ बनी रहेगी, शाइनिंग, नीचे जर्नी लगेगा परत पे उसके। और प्रीमियर क्वालिटी का कितना का खर्चा आ जाए है? प्रीमियम क्वालिटी में आ जाएगा जो 19 से 20 हज़ार रुपये। अच्छा, 19 से 20 हज़ार रुपये पेंट का खर्चा आ जाए प्रीमियर क्वालिटी में। सेम वही जो आप बता रहे हो भाई, ये 4K 2K ये क्या चीज़ होती है उसमें? 4K 2K ये क्लियर कोट होगा जी, जो
पेंट के अंदर मिलती है। अच्छा, पेंट के अंदर मिक्स हो जाए, अंदर मिक्स हो गया, फिर वो शाइनिंग बढ़ा देते हैं जो उसकी, जिससे स्क्रैच वगैरह नहीं लगते हैं। स्क्रैच मारोगे तो वो नहीं लगेंगे, जैसे नाखून वगैरह स्क्रैच मारना चाहो नहीं लगा, और कुछ वगैरह कुछ भी मारोगे तो एक किस्म की प्लास्टिक की परत से जम जाती है। अच्छा, वो 2K मिला गया, जैसे 2K मिला गया कितना साथ में है इसके, प्रीमियर प्रीमियम में साथ में ही आ जाता है। अच्छा, कोबरा मीडियम में भी वो साथ में ही आता है। अच्छा, कोबरा मीडियम में साथ में, अच्छा बस नॉर्मल में नहीं आता। अच्छा, नॉर्मल में नहीं मिलता, बाकी सब में मिला है वो दोनों में। और उसका खर्चा कितना आ जाए, प्रीमियर जो सबसे हाईएस्ट पेंट होता, जो सबसे बेस्ट जो पेंट आया ट्रैक्टर इंडस्ट्री में, ट्रैक्टर उसका है जी 19-20 हज़ार रुपये खर्चा। 19-20 हज़ार रुपये आपका पेंट का खर्चा है उसके अंदर, और पूरा का पूरा लागत है। अगर आप कह रहे हो कि हमें पूरा का पूरा कंप्लीट आप ट्रैक्टर हमारे पास छोड़ के जाते हो, हम आप ही सब कुछ करवाइए, मिस्त्री वगैरह के खुलवाइए बनवाइए, तो उस पर आ जाएगा जी 25 हज़ार रुपये का खर्चा। अच्छा, 5 हज़ार रुपये नट बहुत सारी चीज़ खोलनी पड़ेंगी, बांधनी पड़े, दोबारा बहनी पड़ेंगी, हमें दूसरे मिस्त्रियों को बुलाना पड़ेगा, डेंट वगैरह हुआ कुछ भी हो सब कुछ निकलवाना पड़ेगा। अच्छा, डेंट भी उसके अंदर ही है, इंक्लूड है सारी चीज़ उसके भीतर ही है, और वॉशिंग का खर्चा भी जो भी उसके ऊपर, 25 हज़ार कम्प्लीट है उसमें टोटल। जैसे 5 हज़ार रुपये जैसे ट्रैक्टर के ऊपर लग जाए मेंटेनेंस में, खोल आई बंद आई भाई, डेंट भी है ट्रैक्टर के ऊपर, कितना है बड़ा डेंट होता है, कुछ भी हो सब कुछ 25 हज़ार में आएगा। अगर आप हमारे भरोसे पर छोड़ के जाओ तो हम भी सब कुछ मिस्त्री के आप ही दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब पूरा का पूरा ट्रैक्टर तैयार हो जाएगा जब भी आपको कॉल की जाएगी। अच्छा अच्छा, ये मतलब तीन, जैसे जो बेसिक से 3 स्टेज बने इसकी, नॉर्मल में, मीडियम जैसे कोबरा है जो अपना सादा उदाहरण है, सोनाली का ट्रैक्टर पर जो आता है वो मीडियम पेंट आता है, और जो 4 जो हाईएस्ट प्रीमियर क्वालिटी जो बोलते हैं, सबसे बेस्ट जो है HD का, बहुत सारे नाम उसके, बहुत सारे नाम है वो, स्पेशल एडिशनल पे और एडिशन पे और फार्म ट्रैक पे ट्रैक्टर पर आता है पेंट। उसकी कितनी की लाइफ हो प्रीमियर की, प्रीमियम की लाइफ अच्छी हो उसकी भी, देखो मेन तो पानी के ऊपर अपने रख रखाव पे भी ऐसी होगा, देखो रख रखाव तो है, जैसे धूप में ट्रैक्टर खड़ा है खाली धूप, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई में रखो, आप छांव में रखो, बर्फ में रखो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो पेंट हमारा ऐसे का ऐसे रहेगा। अच्छा, धूप धाप में कोई दिक्कत नहीं आओगी पेंट में, बिल्कुल मड़ी हल्की भी ना फीका कलर पड़ेगा, कुछ भी हड़के से फर्क नहीं। मतलब आप पेंट की गारंटी ले सको, पेंट की जो क्वालिटी है, क्वालिटी की गारंटी हमारी से, वो जंग वगैरह देखो जो लो तो लोहा भी खराब हो उसका, क्योंकि हमारे पास नए नए कंपनी के ट्रैक्टर आए हैं न्यूलैंड, अभी दो दो तीन तीन महीने ले हुए हैं, और शो का रंग घट जाए उसका, हाँ हो जाए कई बार, हाँ ये किसान आ रही है भी, जैसे सोनाली का आ गया, कई बार हो जाता है ऐसी चीज़, हो कई बार कोई डेंट लग जाए ट्रैक्टर के, तो वहाँ से पेंट उखड़ना वगैरह, क्योंकि अंदर लोहा का हम गारंटी नहीं ले सकते ना, क्योंकि लोहा कैसा है नहीं, वो तो देखो पानी का भी फर्क पड़ा है, जंग फर्क सारा फर्क है पानी का। अच्छा, तो कंप्लीट ट्रैक्टर भी ये तीन टाइप के मेन तीन टाइप के पेंट हैं। अगर कई बार किसान का है, जैसे मैंने पेंट तो करवा लिया पर ट्रैक्टर नया नहीं दिख रहा, उसकी भी सुविधा है जी अपने, किस तरीके से वो, किस तरीके से कैसे क्या करो आप उसमें, उसकी जी है जी सुविधा, उसका पूरा का पूरा टेंडर है जी, कि हर एक चीज आपको बाहर की है जो वो नहीं दिखेगी, जैसे बाहर का जो दिखा है नट है बोल्ट है सारी चीज, किसी को भी दिखाओगे ना तो सब कुछ नया ही दिखेगा कि हाँ भाई बंधन है नया ट्रैक्टर, एजेंसी में तो बाहर निकाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें क्या होगा टायर थोड़े मोटे नए लग जाएंगे, अच्छा टायर भी नए हैं तो नए बढ़िया, ये नट वगैरह हुए हैं ये सब कुछ नए लगेंगे, ठीक ठीक कोटिंग होगी, ये पिछले नट सारे पूरा पेंट हो जाएगा, मतलब ट्रैक्टर देखने तो पुराना नहीं लगेगा, देखो टायर तो अगर किसान ने खींचे खरीदने पड़ेंगे अपने, ये तो है टायर तो बहुत महंगे आ जाएंगे, क्योंकि टायर बहुत कुछ है तो वो नहीं लगेंगे, अपना नो नहीं लगेगा कि भाई हम यो पुराना ट्रैक्टर था हमारा कि यह चीज पुरानी रह गई। देखो टायर तो एक और भी चीज है, जब पुराना टायर उसने धो दो प्रॉपर तरीके से तो वो भी साइनिंग मारेगा, पॉलिश वगैरह हो जाएगी तो प्रॉपर साइनिंग कर, आपको सब कुछ इंक्लूडेड है। उसमें कितना खर्चा आ जाए लगभग, आइडिया सब है किसान का, कम से कम 50-60 हज़ार, 50-60 हज़ार के बीच में खर्चा आ जाएगा भाई, ट्रैक्टर पूरा कंप्लीट दिखाएगा तो कहीं से आपको पॉलीथन वगैरह चढ़ा के डंडो पे, ये प्रीमियर क्वालिटी वाला पेंट होगा इसका, उसमें प्रीमियर का होगा। अच्छा अच्छा, पूरा का पूरा ट्रैक्टर जी लाइट वगैरह का भी हमारा है। अच्छा, लाइट का भी, हाँ जी, आगे शीशा तो चेंज करवाना है, लाइट लगवाई जाएंगी। खैर वो तो किसान के ऊपर डिमांड है भाई, जैसी डिमांड होगी उसके हिसाब से भाई, बात तो वो है मेन, तो आप अपनी तरफ से तो जैसे अपनी बेस्ट करोगे, फिर भी किसान कहता है मेरे में LED लगानी है या फिर कंपनी के जो ओरिजिनल है वो वाली लगानी है, तो एलोजन बोलेगा एलोजन लगा दीजिए, एलोजन लगा देंगे, LED बोलेगा तो LED लगा, वो तो खैर उसके ऊपर डिमांड है भाई। देखो एसेसरी कहेंगे हम, इसलिए श्रृंगारदानी का इसके ट्रैक्टर की, इसका तो देखो लिमिट नहीं, कितना पैसा लगा, स्टिकर वगैरह क्या सीन है इसमें, स्टिकर वगैरह भी स्टिकर आपका नया लगेगा, शो से लेके पीछे मरगाड़ो तक जितने क्वेश्चन वगैरह सब कुछ
सब कुछ वो उसमें इंक्लूड, जिसमें सावधानी दे रखी हूँ, वार्निंग दे रखी हूँ, सब कुछ, गियर का चार्ट है वो भी उसी में इंक्लूड है जी। अच्छा, ये 20,000 रुपये में इंक्लूड है? 25,000 रुपये? 25 में नहीं जी, वो दूसरा सुविधा। अच्छा, 60,000? अच्छा 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 अच्छा, सिंगारदानी में 50-60,000 रुपये में, जैसे भाई मॉडिफाई करवाना चाहता हूँ, पूरा मॉडिफिकेशन होगा ट्रैक्टर का। आपको कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं लगेगी कि हाँ भाई ये मेरी पुरानी रहेगी या इससे मेरा ट्रैक्टर भद्दा लग रहा है। ठीक ठीक, एक कसर भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आगे से ले पीछे तक बिल्कुल, मतलब मैक्सिमम ज़्यादा 60,000 रुपया खर्चा बनेगा आदमी का, किसान का, जो ट्रैक्टर में कंपनी से लग काम है उनकी बात है। बाकी तो जैसे फाइबर की छतरी है और स्टेयरिंग अगर चेंज करवाना चाहो वो तो फिर एक भाई उसकी तो अलग चीज़ हो जाए, वो तो देखो इसकी तो लिमिट नहीं है। बाकी उसमें कम से कम 1,00,000 का हो जाएगा, अलॉय व्हील भी डाल के देवांगे उसमें। अच्छा, आप अलॉय व्हील भी लगा दोगे, टायर साइज छतरी भी लगवाएंगे उसमें 1,00,000 तक का खर्चा हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, कर वो तो अलग अलग चीज़ है भाई, अलॉय व्हील का डिजाइन है, सारी चीज़ें वो तो धीरे धीरे ऐसे जैसे बंदा करवा है वो तो आप कितने तक भी कर सकते हो उसमें, 1,50,000 के भी अपग्रेड कर सको आप, 2,00,000 का भी अपग्रेड कर सको, वो तो देखो आप अपने अंदर। हाँ, उतना मीठा। और स्टिकर अगर बंदा चाहो अपने मन पसंद स्टिकर बनवाना चाहो तो बना देते हो आप? हाँ, बिल्कुल जी, बनवा देते हैं। अच्छा अच्छा, बाजार में वहाँ से आप जो भी इस टाइप के भी कहोगे उसी टाइप के कटवा के लगा देंगे। और जैसे मान के चलो बंदा क्या मेरे को ओरिजिनल स्टिकर लगवाने हैं, पहले ही प्राइमरी तो हम ओरिजिनल ही लगाते हैं। अच्छा, हाँ, प्रायोरिटी है वो ओरिजिनल को ही दी जाएगी। अगर आप कहो कि हमारे स्टिकर बदल के लगाने हैं वो फिर प्रायोरिटी दो में आ जाए सेकंड। हाँ, वो तो है जी, अलग चीज़ है, उसके हिसाब कटिंग करवानी है, उसके अनुसार हम ओरिजिनल उसमें एजेंसी से ही ला के लगाते हैं। ठीक 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 ठीक, तो मतलब ये है भाई, पेंट का, डेंट का, पेंट का सारा खर्चा मान के चलो 25,000 रुपये पड़ा है एक ट्रैक्टर वगैरह आप पेंट करवाना चाहो। हाँ, जैसे एजेंसी कंपनी से आया ट्रैक्टर बिल्कुल सेम वैसा आप दिखाना चाहते। हाँ, और जैसे टायर वगैरह अगर बंदा चेंज करवा तो और भी ज़्यादा अच्छी साइनिंग और भी अच्छा लगा, फिर वो तो फिर 60,000 रुपया खर्चा हो जाएगा, ट्रैक्टर बिल्कुल एजेंसी जैसा नया दिखेगा वो। हाँ हाँ, और फिर और ऊपर मॉडिफिकेशन का जैसे अलॉय व्हील डलवाने हैं किसी ने, फाइबर छतरी लगवानी है, स्टीरियो लगवाना है, वो फिर उसके अलग अलग चलते रहे, वो तो अलग अलग क्वालिटी के वाइज चेंज हो जाए। ये है, चलो जी, कौन सा ये कौन सा ये वा फोर्ड? अच्छा, ये ट्रैक्टर इंग्लैंड जाएगा ये अपना? अच्छा, ये पूरा ट्रैक्टर मॉडिफाई हो गया, इंग्लैंड लेके जाओगे इसमें? अभी आया है ये, कंप्लीट करना टायर तो इसमें नए डलवाए दिए आपने, टायर तो नए है। अलॉय वगैरह लग के प्रेशर कटाई का स्टीयरिंग होगा। अच्छा, पावर स्टीयरिंग वगैरह करके, पावर स्टीयरिंग वगैरह कर देते हो आप? नहीं, वो मिस्त्री का देते हैं, उसका खर्चा अलग से होता है, वो आपको सब कुछ जब आप आओगे तो सारी चीज़ समझाई जाएगी, वो तो बताई जाएगी, जैसे भी जैसा चाहो वैसा बंदा करवा सकता है। और एक अपना नॉर्मल क्वालिटी वाला पेंट खड़ा था ट्रैक्टर जो आपने कर रखा है, दिखाइए एक बार कौन सा है जो नॉर्मल क्वालिटी है अपनी? नॉर्मल नहीं है जो, मीडियम है कोबरा में। अच्छा, मीडियम होगी कोबरा का? अच्छा अच्छा, ये कौन सा हिंदुस्तान नया आया था यार? यहाँ में अपने मेरे ख्याल से 5-10 ट्रैक्टर निकल रहा है। नया पुराना है? यो कौन सा? यो पुराना मॉडल है। अच्छा अच्छा अच्छा, और स्टीरियो वाला बंद गड़बड़ करेगा भाई। अच्छा, यो पेंट है नया जो आपने कराया इसके ऊपर? मीडियम क्वालिटी का पेंट है यो? अच्छा अच्छा, कपड़ा उठाइए, कपड़ा उठाइए वो। अच्छा, यो दे दे, यो दे दे तो ये। अरे वो ना कहिए मंदा करेगा वो, ना तो स्ट्राइक दे देगा काम करेगा। अच्छा अच्छा, यो है इस पर? हाँ, यो कोबरा क्वालिटी वाला पेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल शाइनिंग आओगी इस पर। अभी और कुछ बचा है इस पर होना? अभी जी इस पर पूरा का पूरा तैयार, अभी मिस्त्री ने पूरा तैयार नहीं किया, तैयार होने के बाद इस पर पहले धुलेगी शो। हाँ, उसके बाद पॉलिश लगेगी, फिर आएगी शाइनिंग जी। अच्छा, पॉलिश लगेगी, स्टिकर उतरेगा, ये स्टिकर नया लगाओगे, ये पूरी की पूरी सफाई होगी जी इसकी। ये ओरिजिनल है जी, आते नहीं है इसकी पहले ही हमने पूरी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ओरिजिनल पे आते नहीं है स्टिकर? ये आते नहीं जी, इसकी पूरी सेफ्टी के साथ हमने पहले ही ये टेप वगैरह लगा के ये सेफ किया। अच्छा 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 अच्छा, सफाई होगी बिल्कुल नया ओरिजिनल। चलो जी, अपना नंबर बताओ जी, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है आपका? अपना नंबर है जी, आप किसी भी समय फ़ोन कर सकते हो, नंबर है 70155-14-895। 70155-14-895 14-895 ये नंबर है। कोशिश करना 9 से 5 बजे तक फ़ोन करो, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि फैमिली सबके साथ है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके भाई। जैसी वीडियो लगे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।